कला और संस्कृति के संदर्भ में कुंभ की किस तरह से प्रासंगिकता है, इस बात को समझना हो तो हम कुंभ को अलग नज़रिए से देख सकते हैं। और इस बार प्रशासन ने इसका नाम भी दिया है कला कुंभ, जो कि कलाओं की अभिव्यक्ति का एक माध्यम बन गया है। कला कुंभ में बड़ी विविधता है जो संपूर्ण और समग्र भारत को प्रस्तुत करता है। और भारत क्या है, इसको अगर देखना है तो आप कैसे देखेंगे, कलाओं के माध्यम से उसे कैसे समझा जा सकता है? तो हमारे सरकार की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जिसमें ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कलाओं में आप मूर्ति कला, प्रस्तर कला, स्थापत्य की अन्य विधाओं को देखते आए हैं। मूलतः जो ग्रामीण और जनजातीय भारत है, जो उस प्राचीन भारत को सहेजे और संजोए हुए है, या आप ये कहिए एक जीवंतता बनी हुई है, उसको आगे बढ़ा रही है। अभी आप देख रहे हैं ये बीन बजाने वाले, इसमें किसी की भी उम्र जो है 60 साल से कम नहीं है। और इनसे बात करिए तो वो पैसे के लिए बीन बिल्कुल भी नहीं बजा रहे हैं, और आजकल बीन बजाया भी नहीं जाता। एक समय हुआ करता था जब बीन बजाना और इस तरह के किसी भी तरह के जो आयोजन हुआ करते थे, इस तरह के कला में पारंगत लोगों की बड़ी इज्जत हुआ करती थी। पर आप उस कला या उस विरासत को कब तक संजोए रख सकते हैं जो आपकी गरीबी का कारण बन जाए? तो वही कलाएं, वही हुनर आपके काम आती हैं, जिससे आप आर्थिक आय कर सकते हैं। अगर आपके पास धनार्जन नहीं है तो आपकी कितनी भी अच्छी अभिव्यक्ति के माध्यम हो आपके पास, जिसमें वाद्य हो या निर्माण हो, आप देखिए वो बहुत ही मुफलिसी में जीते रहते हैं, और उनकी संतानें और उनका परिवार उस गरीबी को अब ढोने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कब तक गरीब बने रहें, और गरीब बनकर क्या हासिल कर लेंगे? तो गरीब बनकर जब कुछ हासिल ही नहीं हो सकता, तो उस विरासत को किस शर्त पर आगे बढ़ाया जाए? आजकल ये सब जो बड़े बड़े धरोहर और प्रतीकों के का निर्माण होता है, जो सभ्यता और संस्कृति की पहचान है, तो आप इसके मूल में देखेंगे बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती हैं, जैसे पर्यावरण विमर्श, नारी विमर्श और तमाम विमर्श, जिसमें वंचितों और तमाम समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने की संघर्ष की बात की जाती है। तो वास्तव में वो न्याय किसके लिए होता है, और ये न्याय दिलाने का जो व्यापार है वो काफ़ी फलता फूलता है। अब जनजाति, आदिवासी क्षेत्रों में या ग्राम्य विकास से जुड़ी योजनाओं के बारे में देखिए तो सबसे बड़े भ्रष्टाचार के केंद्र यही हैं। साथ में ये बात भी जोड़ देनी चाहिए कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं। हाँ, सारे लोग कहीं भी ऐसे नहीं होते हैं जो सिर्फ भ्रष्ट हों, लेकिन भ्रष्टाचार समाज की एक स्वीकार व्यवस्था बन गई है, जिससे काफ़ी बड़े शक्ति और साधन कमाए और बनाए जा रहे हैं। तो आप देखिए इस सुरक्षा देने वाला जो विचार है, वह पूरी तरह व्यवसाय बन चुका है। और कला संस्कृति का एक दुर्भाग्यपूर्ण विमर्श यहाँ भी है, क्योंकि ये टेंट और ये मूर्तियाँ बनने से पहले आप उनसे जुड़े मजदूरों से अगर बात करिए तो जिस साहित्य, कला और परंपरा विरासत का विमर्श हो रहा है, वह मजदूर उस बात से अवगत भी नहीं है। यहाँ पर मूर्तियों के निर्माण में प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो मूर्तियाँ बनी हैं, मिट्टी से भी बनी हैं, तो जब छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जहाँ के भी मूर्तिकार या स्थानीय निर्माणकर्ता या कलाकार जिन्हें आप कहते हैं, वो नेपथ्य में कहाँ चले जाते हैं, क्या किसी को पता चलता है?
तो शायद किसी को पता नहीं चलता। एक बड़ी एजेंसी जो सारा कार्यभार देख रही है, तो फिल्मों में जो बड़े बड़े सेट लगते हैं उसी तरह से इनका भी निर्माण किया जाता है। और दुनिया के सामने हम क्या हैं, कैसे हैं, ये बताना दिखाना सच में बहुत ज़रूरी है और दिखाना भी चाहिए। और अगर आप सिर्फ दर्शक बनकर आइए और सच में आपको समझना चाहते हैं, तो आप कि अगर कोई सामाजिक आर्थिक स्थिति है और आप सच में समाज में कोई निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं, तो अपनी उस तरह की कोई पहचान लेकर मत आइए और इन लोगों से मिलिए, प्यार से बात करिए, साथ में बैठिए, तब आप हकीकत से रूबरू हो पाएंगे कि वास्तव में समस्या है क्या। 500 रुपये में, 300 रुपये में, 400 रुपये या कुछ भी, या कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं जो वास्तव में कलाकारी का काम कर रहे हैं, फिर इनको पूछा नहीं जाता, या कुछ सधे और बने बनाए लोग हैं जो लगातार इस तरह के उपक्रमों से जुड़ते हैं और सभ्यता और संस्कृति के रक्षा करते हैं। फिलहाल काफ़ी अच्छा आयोजन है और शानदार निर्माण किया गया है। बच्चों और परिवार के साथ आइए और भारत से जुड़ जाइए। एक ही जगह से आपको कला ग्राम में, संस्कृति ग्राम में, या जो कह लीजिए, यहाँ पर जुड़िए और भारत को दर्शन कर लीजिए। शुक्रिया।